Anil was asleep. A beam of moonlight streamed over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though and my were mostly scars. अनिल जो है वो क्या कर रहा था, सो रहा था, और मूनलाइट जो है वो बालकोनी से होता हुआ कहाँ आ रहा था, बेड पे आ रहा था वो. हरी सिंह जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोर पे बैठा हुआ है, सिचुएशन को कंसीडर कर रहा है कि किस तरह से उसे चोरी करनी है. वो सोचता है कि अगर वो उसने उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है लखनऊ की वो ले लेगा. वो धीरे से क्या करता है, ब्लैंकेट से बाहर आता है और वो बेड की तरफ क्रिप्ट करता है, यानी रेंगता हुआ जाता है. अनिल जो है वो बहुत ही पीसफुली सो रहा है, उसके फेस जो है वो बहुत ही क्लियर है, कोई मार्क नहीं है. बता रहे हैं कि इवन उसके फेस पे ज़्यादा मार्क हैं और ज़्यादा स्कार्स हैं. माई हैंड एंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. वेन आई फाउंड देम आई ड्रिव देम आउट. अब हरी सिंह जो है वो मैट्रेस के अंदर हाथ डालता है और वहाँ पे नोट को ढूंढता है, यानी पैसे को ढूंढता है, और पैसे उसे मिल जाते हैं. वो क्या करते हैं, उसे बाहर निकालता है. विदाउट अ साउंड अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी. आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. उसने क्या किया, हरी सिंह ने, कि बिना साउंड के पैसे को बाहर निकाले उस मैट्रेस के नीचे से. अनिल जो है वो एक आग भरता है और लंबी सी सांस ले करके, वो क्योंकि नींद में होता है, और वो साइड चेंज करता है और किसी की साइड में अब अपना फेस कर लेता है, हरी सिंह की तरफ. हरी सिंह जो है वो जल्दी से वो बाहर जो हरी सिंह डर जा रहे हैं डर जाते हैं और भागता हुआ वो बाहर आ जाता है. पहले वो क्रॉल करता है यानी रेंगता हुआ वो रूम से बाहर आ जाता है. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist and held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees and in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Anil जब रोड पे आ जाते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसका जो जो उसने चुराए थे पैसे वो उसने कहाँ रखे हुए हैं, अपने पजामा में बांधे हुए हैं, खोज दिया है उसने. उसके बाद वो भागते भागते थोड़ा सा स्लो होता है और वो नोट को काउंट करता है, उसमें कितने पैसे थे, 50-50 के 600 रुपीज़ थे. अब वो सोचते हैं कि वो इतने पैसे में तो कितने दिन के लिए रह सकता है, 1 या 2 वीक के लिए बहुत ही रिच वे में रह सकता है, बहुत ही आराम से रह सकता है, जिस तरह से अरब के लोग रहते हैं. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just coming out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost it. चांस टू गेट अवे. जब वो हरी सिंह स्टेशन पे पहुंचता है तो वो टिकट काउंटर के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदे थे. डैट मीन्स वो चोर था, चोर को टिकट खरीदने की क्या ज़रूरत है. अब वो कहाँ जाता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है. लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जाने ही वाली होती है, और बता रहे हैं कि हरी सिंह जो है वो चाहते हैं तो क्या कर सकता था, वो उसमें किसी भी एक कैरियज पे जंप करके वो बैठ सकता था, बट वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है. उसे पता नहीं है कि रीज़न क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बट उसने चांस मिस कर दिया और लखनऊ एक्सप्रेस जो है वहाँ से आगे बढ़ जाती है. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble
देन हेल्प एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई सेइंग स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. जब ट्रेन जो है लखनऊ एक्सप्रेस छूट गई, वो चली जाती है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो अकेला खड़ा रह जाता है. हरी सिंह बता रहे हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा रह जाता है और उसके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि वो रात को कहाँ स्पेंड करेगा, यानी रात कहाँ स्पेंड करेगा, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते हैं. और ये भी कहता है कि फ्रेंड्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रबल में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो हेल्प करने से ज़्यादा ट्रबल देते हैं. तो ये खुद का उसका मानना था. वो बता रहा है कि मैं बिलीव करता हूँ कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा ट्रबल देते हैं. और आगे बताते हैं कि वो नहीं चाहता है कि वो किसी छोटे से होटल में जो स्टेशन के पास है वो वहाँ पे रुके और लोगों को क्यूरियस बनाए, कि लोग जो है उसकी तरफ जाने कि ये इतनी रात को यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, क्योंकि वो 15 ईयर्स का ही है. तो इस वजह से वो नहीं चाहता है कि वो किसी छोटे से होटल में उस स्टेशन के पास भी रुके. वो एक ही इंसान जो है उसको जानता है उस पूरे शहर में, और वो जो था वो अनिल था, जिसको उसने रॉब कर लिया था. अब वहाँ से हरी सिंह जो है स्टेशन से जा रहा है, वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, बाज़ार की तरफ मीन्स जा रहा है. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. बट आई न्यू that Anil's face when he discovered the theft would show only touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. हरी सिंह जो है वो सोच रहा है कि अपने इस छोटे से एज में जहाँ तक उसने चोरी का जो कैरियर है उसमें अपने क्या देखा है इस कैरियर में, कि जब इंसान के फेस को उसने जज किया है कि लोग जो चोरी हो जाने के बाद किस तरह से वो उनका फेस हो जाता है, यानी किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं. तो बता रहे हैं कि जब किसी ग्रीडी इंसान को उसने रॉब किया होगा तो बता रहे हैं कि उसे डर लगता है. ग्रीडी इंसान को चोरी से क्या लगता है, डर लगता है. और जो रिच मैन होते हैं वो कैसा शो करते हैं, एंगर शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं. गरीब इंसान जो है वो क्या एक्सेप्टेंस शो करते हैं. और बता रहे हैं कि जो अनिल है इस वक्त, जब उसे पता चलेगा, अनिल के बारे में सोचता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उस चोरी हो गई है और चोरी करने वाला हरी सिंह है जिसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तो वो कुछ और नहीं बल्कि उसे क्या होगा, वो क्या शो करेगा, सैडनेस. बोल रहे इस वजह से नहीं क्योंकि उसकी पैसे चोरी हो गए हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसने हरी सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उसका ट्रस्ट उसने तोड़ दिया है. तो यहाँ पे हरी सिंह जो है वो दिखा रहे हैं कि उसने अपने छोटे से कैरियर में उसने क्या लोगों के फेस को पढ़ा है, और लोगों के फेस को पढ़ते हुए ये जाना है कि जो इंसान जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब चोरी होता है, तो बोलता है कि अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. ग्रीडी मैन जो है वो फियर शो करता है, तो रिच मैन एंगर शो करता है, पुअर मैन एक्सेप्टेंस. तो इस तरह से